ओम शम शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव, जय माता दी, माता लक्ष्मी की जय। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम सभी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है और वो साथ देने लगे, साथ ही साथ आपको धन का अभाव रहता है, बीमारियों से परेशान रहते हैं, तो बीमारियों को दूर करने के लिए क्या करना है, और साथ ही साथ शनि की साढ़े साथी या ढैया से परेशान हैं, शनि ग्रह जो है आपकी कुंडली में सही स्थिति में नहीं है, जिसकी वजह से आपका जीवन कष्ट से गुजर रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए खास है। खास करके आपके जीवन में बीमारियाँ तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अगर आज के इस वीडियो को पूरा देख लिया आपने तो आप इन सभी समस्याओं से निजात पा जाएंगे। इसीलिए बस इम्पोर्टेंट ये है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसका छोटा पार्ट भी अगर आप भगा भगा करके देखते हैं तो आप पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पूरी जानकारी बहुत जरूरी है। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको जानकारी है तो आप वीडियो यहां भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा देखिएगा तो ही आप पूर्ण लाभ उठा पाइएगा। अन्यथा कंप्लेन जो करते हैं लोग कि मैंने ये किया भी और लाभ नहीं हुआ, उसका कारण यह होता है कि किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कीजिएगा, और पूर्ण रूप से जानिएगा नहीं तो करिएगा कैसे। जब तक पूर्ण रूप से नहीं कीजिएगा आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, तो इसलिए वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। तो चलिए आज हम बात करते हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, काली मिर्च की। ये औषधि के रूप में भी बहुत कमाल की है। अगर आप एक फिटनेस प्रेमी हैं, चाहते हैं कि स्वस्थ रहें और जल्दी वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको अपने रोज के खाने में काली मिर्च लेना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये बहुत ही कमाल की औषधि है और इसके साथ साथ ये भगवान को बहुत पसंद है। इसके टोटके भी बहुत कमाल के हैं। काली मिर्च को लेकर के ज्योतिष में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से हमारे जीवन में बदलाव आता है, समस्याओं से छुटकारा मिलता है, खास करके शनि ग्रह जो हैं उनका प्रभाव आपके जीवन पर सही पड़ने लगता है और शनि ग्रह के दोषों से आप मुक्त हो जाते हैं। काली मिर्च को बहुत ही गुणकारी माना जाता है। काली मिर्च न सिर्फ सेहत के लिए अच्छी होती है, बल्कि काली मिर्च ग्रह दोष को दूर करने में बहुत फायदेमंद होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो काली मिर्च का कैसे इस्तेमाल करेंगे। यदि आप भगवान शनिदेव को पसंद करते हैं तो ओम शम शनिश्चराय नमः, नहीं तो जय शनिदेव कमेंट में लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता आए और आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा हो, तो फिर हम आपको उपाय बता रहे हैं। प्रेम से आंखों को बंद कीजिए, एक बार माता लक्ष्मी को याद कीजिए। करना क्या है आपको, यदि किसी भी व्यक्ति आप में से कोई भी हो, उनको मेहनत करने के बाद भी धन का लाभ नहीं होता है, आप देखते हैं कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतने ही दूसरे लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन बहुत सफल हो जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, काली मिर्च के 5 दाने लेने हैं और उसे 7 बार अपने सिर में घुमा करके किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक देना है और 5वां दाना आसमान की तरफ फेंकना है। इसके बाद बिना पीछे देखे ही, यानी कि मुड़ करके वापस पीछे नहीं देखना है, और आपको लौट आना है घर वापस, बस ये करना है। ये बहुत ही शानदार उपाय है। इसको करने से आपके जीवन में परेशानियां जो है दूर होकर के और आपको फायदे मिलने लगेंगे। इसके अलावा काली मिर्च जो है बहुत ही कमाल की औषधि है। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो काली मिर्च को हल्दी के साथ मिला करके खाइए, कैंसर से बच जाएंगे। हल्दी और काली मिर्च मिला करके इसे दूध के साथ लेना है आपको। ये पेय पदार्थ बना करके आमतौर पर आप तेज जुकाम रहे, जो जिसको जुकाम हो गया है तेज, उसको दीजिए, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए और कैरोटीनॉइड पाया जाता है, जो कि कैंसर और अन्य जो घातक बीमारियाँ होती हैं उनके इलाज में मदद करता है। इसके अलावा इसे अपने रोज के खाने में शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से फिट रहने का सबसे अच्छा तरीका है। ईश्वर ने इसमें इतनी शक्तियाँ दी हैं, भगवान ने काली मिर्च में इतनी शक्तियाँ भरी हैं कि ये हमारे जीवन से कैंसर जैसी बीमारी को भी दूर करता है। अगर आप खाते भी हैं तो भगवान का टोटके और इस्तेमाल करते हैं तब तो आपको लाभ उसका मिलता ही है, लेकिन आप नेचुरली इसको खाते भी हैं तो आपके शरीर को स्वस्थ करता है, मजबूत बनाता है और आपके बीमारियों से लड़ने की क्षमता को डेवलप करता है, इसीलिए आप बहुत ही फिट और मजबूत हो जाते हैं। अगर किसी का पाचन तंत्र कमजोर हो गया है दोस्तों, तो भगवान ने इसमें, भगवान
शिव कहिए, भगवान शनिदेव कहिए, इस पे विशेष कृपा रहती है इनकी। इन्होंने इसको इतना पावर दिया है कि काली मिर्च को पाचन मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा बनाया है, मजबूत बनाया है। जब इसे आप कच्चा खाते हैं तो पेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो कि प्रोटीन को तोड़ने में सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके आंतों को साफ करने में मदद करता है और आपको अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों से बचाता है। इसीलिए अपने सभी खाने में चुटकी भर काली मिर्च का इस्तेमाल करना नहीं भूलना चाहिए आप। लेकिन ध्यान रखिएगा, अति कानो बोलता अति कानो चुप, अति की न छाऊं अति की न धूप, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि अति नहीं करना है। ज्यादा काली मिर्च लेना नुकसानदायक हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक या दो काली मिर्च रोज लेते हैं तो आप देखेंगे कमाल का फायदा होगा। आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचेंगे, आपका पेट जो है बहुत अच्छा काम करने लगेगा, स्वास्थ्य अच्छा काम करने लगेगा। वहीं पर अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो भगवान शनि देव की इसमें विशेष कृपा पाई जाती है। कैसे आप शनि दोष से छुटकारा पाएंगे? यदि किसी भी व्यक्ति पर शनि दोष है तो उसे छुटकारा पाने के लिए काली मिर्च का टोटका जरूर अपनाना चाहिए। इसके लिए क्या करना है आपको, एक बार प्रेम से मैंने कहा कि अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में शनि देव को आप मानते हैं, पसंद करते हैं भगवान भोलेनाथ को तो ओम नमः शिवाय, नहीं तो जय शनि देव, या फिर आप जिन देवता को भी पसंद करते हैं कमेंट में जरूर लिखिए, खास करके जय शनि देव कमेंट में जरूर लिखिए। इसके लिए क्या करना है, एक काला कपड़ा लेना है आपको, थोड़ी सी काली मिर्च लेना है और 11 रुपए लेना है। इसको बांध करके किसी जरूरतमंद को दान करना है। काले कपड़े में आपको क्या करना है, थोड़ी सी काली मिर्च और 11 रुपया बांध देना है और इसको आपको दान करना है। किस दिन करना है, शनिवार के दिन करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनि दोष से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। यदि किसी पर ढैया है तो उनके लिए ये उपाय काफी असरदार होता है। इसको करने से आपको शनि दोष जो है वो दूर करने में मदद मिल जाती है, और जीवन में सफलता नहीं मिल रही है तो सफलताएं अर्जित होने लगती हैं, बाधित हुई सफलता आपके लिए बहुत ही सरल होने लग जाती है। वहीं पर बहुत सारे लोग जो हैं दोस्तों कब्ज से बहुत दुखी रहते हैं, उनको परेशानी रहती है। हो सकता है कि काली मिर्च का आपने भी किसी बीमारी में इस्तेमाल किया होगा, या आप जानते होंगे कि जरूर ये दूर करती है। आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप किस लिए इसका इस्तेमाल जानते हैं। दरअसल ये है तो कमाल की औषधि, क्योंकि ईश्वर ने इसने इतने गुण इसमें दिए हैं, इसीलिए भगवान शनिदेव को भी ये पसंद है कि चढ़ाया जाता है, देवताओं को भी, क्योंकि काली मिर्च इतनी कमाल की औषधि बनाया भगवान ने कि आप उनको अर्पित करते हैं तो वो भी खुश होते हैं, और आप अपने जीवन में सिर्फ इसको खाते भी हैं तो आपको लाभ मिलते हैं और आप बीमारियों से बच जाते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ अभी कब्ज की, आपको हफ्ते में 3 बार कम से कम मल होता है, यानी कि आपको रेगुलर टाइम पर लैट्रिन नहीं हो पाता है, कब्ज की शिकायत है, तो आप हो सकता है कि कब्ज से पीड़ित। हालांकि रोजाना अपने खाने में थोड़ी सी काली मिर्च मिला करके इस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। कभी कभी जब आप कब्ज से पीड़ित होते हैं तो आप मल त्याग करने के लिए जोर लगाते हैं, या कभी कभी आपको मल त्याग करने के बाद भी पेट खाली महसूस नहीं होता है और जोर लगाने की वजह से बवासीर खुल जाता है, ये एक समस्या भी होती है। तो इसीलिए काली मिर्च का रोजाना सेवन कीजिए, इससे कोलोन कैंसर, कब्ज, डायरिया और अन्य प्रकार के बैक्टीरियल जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसका ज्यादा सेवन आपके लिए हानिकारक होगा, मैंने बताया आपको। आपको एक चुटकी बस लेना है, आपको सब्जी है उसमें मिला लेना है और इसको खा लेना है। एक चुटकी से ज्यादा आपको रोज नहीं खाना है, यानी कि एक या दो काली मिर्च को ही आपको रोज इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि कब्ज की शिकायत जो है आपकी दूर हो जाएगी और इस परेशानी से बच जाएंगे। अच्छी बात तो यह है कि त्वचा ठीक करना सभी कोई चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके त्वचा पर रूखापन आता है, इसके अलावा झाइयां आती हैं, पिंपल्स आते हैं, या स्किन पर अलग अलग कलर के दाने निकलने लग जाते हैं। ये सभी समस्या से भी बचने के लिए काली मिर्च बहुत अच्छी है। जी हाँ, काली मिर्च जो है त्वचा की रंजकता यानी कि पिगमेंटेशन जिसे कहते हैं, इसको रोकती है। इस रोग में आपकी त्वचा सफ़ेद दिखाई देने लगती है और इसे सफ़ेद धब्बे भी कहा जाता है। हालांकि आपकी त्वचा के रंग को दोबारा से सही करने के लिए बाजार में बहुत सारी दवाएं आपको मिलेंगी, लेकिन इस पर भगवान की ऐसी कृपा है, ईश्वर ने इसको इतना शक्ति दिया है कि इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी झुर्रियाँ भी दूर होने लग जाएंगी। स्किन से कच्चे या आपको भुने हुए मसालों को रोज के आहार में
इसको शामिल करना है। जैसे कि खाना बना लिया तो उसमें भी आप इसको काली मिर्च को पीस करके डाल सकते हैं एक चुटकी, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी काली मिर्च को एक या दो को रोज खा सकते हैं। आपके शरीर को इससे फायदा जरूर मिलने लगेगा। यदि आप मुहासों से पीड़ित हैं तो आपको काली मिर्च का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी त्वचा में मौजूद इंटॉक्सिकेंट को दूर करके आपकी स्किन को बेहतर बनाता है, चिकनी बनाने में मदद करता है। आपको बस इतना करना है कि कुछ काली मिर्च को पीस करके अपनी त्वचा पर लगाना है और आपको फर्क नजर आने लगेगा। जहां पर पिंपल्स होते हैं वहां पर लगा दीजिए और काली मिर्च का सेवन भी कीजिए, आपकी स्किन खूबसूरत हो जाएगी। इसके अलावा इसमें इतनी शक्ति है कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। डैंड्रफ का उपचार करने के लिए काली मिर्च का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि थोड़े से दही के साथ कुछ काली मिर्च को पीस करके उसमें मिला लेना है और इसे अपने स्कैल्प पर यानी कि जड़ों में लगाना है और 30 मिनट तक इसको वैसे ही रखने देना है, सूखने देना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि किसी अन्य तरह से काली मिर्च का उपयोग मत कीजिएगा। आपको खाने में एक दो काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिए, आप ये लगा करके 24 घंटे बाद ही शैंपू कीजिएगा, तुरंत शैंपू मत कीजिएगा, क्योंकि आपको तुरंत करेंगे तो साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का केमिकल की तरह से कार्य करता है और आपको फायदा भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये जब दही लगाते हैं आप काली मिर्च का, तो शैंपू या साबुन का इस्तेमाल 24 घंटे के बाद कीजिएगा। इसको आप बस नॉर्मल पानी से धो लीजिएगा। पीसी हुई काली मिर्च में नींबू भी मिला सकते हैं, इसे भी आप अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं। 30 मिनट बाद इसे नॉर्मल पानी से धो लीजिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा कि आपको अगर शैंपू या साबुन करना है तो आपको 24 घंटे के बाद करना है। आपका बाल चमकदार हो जाएगा, चिकना हो जाएगा और बालों की जो समस्या है आपकी वो दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति रहे, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, तो आप देख रहे हैं कि भगवान ने कितना शक्ति दिया है काली मिर्च को, तभी ये हमारी बीमारियों को दूर कर पाती है। तो ईश्वर को खुश करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता है, भाई भाई में लड़ाई रहता है, या पिता से नहीं बनता है, माता से नहीं बनता है, इस समस्या को कैसे दूर करेंगे? शांति चाहिए आपको, वो कैसे मिलेगी? तो इसके लिए क्या उपाय करना है? अगर किसी व्यक्ति को धन की कमी रहती है, साथ ही साथ उसके घर में क्लेश रहता है, तो काली मिर्च के 8 दाने लेने चाहिए उसे और घर के किसी खाली कोने में ले जा करके इसे जला देना चाहिए। ऐसा करिएगा तो आर्थिक तंगी तो दूर होगी ही, साथ ही साथ ग्रह दोषों से भी आपको मुक्ति मिलने लगेगी और ग्रह जो है आपको परेशान नहीं करेंगे। अब किसी के पास थोड़ा सा धन है, उसको बढ़ाना चाहते हैं आप, तो आप क्या करेंगे, आपको ये भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ को और शनिदेव जी को पसंद करते हैं तो एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिख दीजिए जय शनिदेव। आप कहेंगे बार बार क्यों कह रहे हैं, आप भगवान का नाम जितनी बार लेते हैं वो अच्छा होता है, और आप बार बार भी लिख देते हैं तो इससे कोई आपका कुछ नुकसान नहीं होना है। लेकिन भगवान का नाम आपके जहन में रहना चाहिए, क्योंकि इतनी कमाल के औषधियाँ और इतनी चीज़ें हमें ईश्वर ने इसीलिए दिया है कि हम उनके प्रति कृतज्ञ रहें, तो ही हमें इनका लाभ भी मिलता है। आपको विशेष विधि भी बताएंगे, लेकिन अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके वजन को भी कम कर देती है। दोस्तों, जब वजन बढ़ जाता है तो आपका शरीर जो है बीमारियों का घर बन जाता है। लेकिन आप इसको ग्रीन टी में मिला करके दिन में 2 से 3 बार लेते हैं, एक काली मिर्च डालेंगे और ग्रीन टी बनाएंगे और लेंगे, तो इससे आपको फायदा होगा। फाइटोन्यूट्रिएंट्स की भरपूर मात्रा इसमें होती है, जो कि अतिरिक्त वसा को तोड़ने में मदद करती है शरीर में। इससे आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाएगा। ग्रीन टी और इसमें एक चुटकी काली मिर्च आपको मिलाना है, वजन कम करने में आपको मदद मिल जाएगी। इसका सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कम मात्रा ही, और दिन भर में अगर नॉर्मल आपका फैट है तो आप दिन भर में एक बार ही लीजिए, अति मत कीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये डिप्रेशन जैसी बीमारी को भी दूर करती है, श्वसन संबंधी समस्या है उसको दूर करने के लिए काली मिर्च बहुत अच्छी होती है। गर्म पानी में आपको थोड़ा सा यूकेलिप्टस का तेल लेना है और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च मिलानी है और उससे भाप लेना है, सीने की जकड़न से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और जोड़ों के दर्द की बात करें तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। यदि आप जोड़ों के दर्द या गठिया से पीड़ित हैं तो आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि काली मिर्च में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो इस समस्या को दूर करने में आपकी मदद करते हैं। गठिया को रोकने के लिए आपको क्या करना है, ये रीढ़ की हड्डी के दर्द को भी दूर करता है। दोस्तों, अगर आप रीढ़ की हड्डी के दर्द से परेशान हैं, पीठ के दर्द से परेशान हैं, तब भी आपको लाभ मिलेगा। काली मिर्च का उपयोग आप व्यंजन के रूप में कर सकते हैं, मसाले के रूप में कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलने लगेगा। इसके लिए कोई विशेष विधि अपनाने की जरूरत नहीं है, आप अगर सब्जी में भी लेते हैं तब भी आपको फायदा मिल जाएगा। आपकी बॉडी डिटॉक्स कर देता है। जी हाँ,
आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इतना सारा क्यों बता रहे हैं, आप ये जान लीजिए कि ये लाभ होता है, जानेंगे तभी आप इसका सही उपयोग कर पाएंगे। और काली मिर्च का टोटका से लेकर के और औषधीय रूप में उपयोग क्यों है कि ईश्वर दिखा रहे हैं क्यों इतना प्रिय है कि शनि दोष तक मिट जाता है इससे, क्योंकि आप जब इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर से, समाज से, शरीर से आपके पर्सनली बीमारियाँ दूर होती हैं। बीमारियाँ दूर होती हैं तो वैसे ही आपके पैसे बचने लगते हैं, काम ज़्यादा देर कर पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आप पैसे भी ज़्यादा अर्जित कर पाएंगे, कमा पाएंगे। बहुत ही कमाल की ये औषधि है, मसालों के रूप में आप इसका इस्तेमाल कीजिए और इसका आप लाभ ले सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी गुण से भी भरपूर होती है और इसीलिए ये आपको कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, अस्थमा, इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं उसने बचने में मदद देती है। अब आप कहेंगे कि अगर यही है तो क्यों इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों की उपयोगिता को नहीं समझते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में व्याधि आ जाती है और जब विकार बड़े लेवल पर आ जाता है तब आपको ज़रूरत पड़ती है अलग चीज़ की। लेकिन इसको सही से समझते हैं और दैनिक रूप से इस्तेमाल समझ जाते हैं कि कैसे करना है तो आप कभी भी नहीं भुगतेंगे ऐसी बीमारियों से। यह मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसके अलावा ब्लड शुगर में सुधार करता है और कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध भी बहुत असरकारक होता है। लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको कहा वीडियो शुरू करने से पहले कि अंत तक जरूर देखिएगा। अब सब बात तो आपने सुन लिया, ये जनरल बातें हैं कि आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है, लेकिन काली मिर्च को आपको इस्तेमाल करने के लिए विशेष जानकारी की ज़रूरत है और वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर देने वाला हूँ। लेकिन बात कर रहे हैं हम सभी कि किसी को धन की कमी है और आप चाहते हैं कि धन में वृद्धि हो, थोड़ा बहुत पैसा है लेकिन उसमें वृद्धि नहीं हो पा रहा है, इनकम आपकी स्टॉक हो गई है यानी कि एक जगह पर रुक गई है, आप चाहते हैं कि बढ़ें तो इसके लिए क्या करें। आपको घर की तिजोरी में 7 काली मिर्च को एक पोटली में बांध करके रख देना है, इसके साथ 1 रुपए का सिक्का भी एक रखना है। ऐसा करने से जो भी व्यक्ति करता है उसको धन संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, साथ ही साथ तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है, कभी भी तिजोरी में पैसे की कमी नहीं होगी। काली मिर्च का ये टोटका बहुत ही उपयोगी है, आप इसको करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको एक विशेष उपाय भी मैं बताने वाला हूँ धन लाभ के लिए कि काली मिर्च का किस प्रकार से आप उपयोग करेंगे तो धन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस वीडियो को आप सभी, यही कहूंगा मैं कि अंत तक जरूर देखिए। बात कर रहे हैं कि आपको उपयोग कैसे करना है, सबसे पहले तो जितने सारे उपाय मैंने बताए अब इसका लाभ उठाने के लिए आपको इसके उपयोग को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका उपयोग सही से नहीं जानेंगे तो आप लाभ इसका कैसे उठा सकेंगे, पता चलेगा कि आप लाभ के लिए इसको इस्तेमाल किए और आपको हो रहा है क्या नुकसान, क्योंकि आप इसके सही तरीके को नहीं जानते हैं कि इसका हमें सही से इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए नियम जान लेते हैं। काली मिर्च को सलाद में चुटकी भर नमक के साथ छिड़क करके डाल सकते हैं, सलाद में चुटकी भर नमक जैसे डालते हैं वैसे ही डाल सकते हैं। पीस करके काली मिर्च रखिए और उसको इस प्रकार से इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आप सूप सॉस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी डालिएगा, सूप बनाइएगा तो सर्दियों में सूप पीना अच्छा रहता है और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा इसे थोड़ी सी हैमबर्गर और सॉसेज में भी मिला सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी या कोई भी फल है उस पर भी आप छिड़क करके इसको खा सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको 1 से 2 काली मिर्च ही एक दिन में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कोई गर्मी से रिलेटेड आपको बीमारी है तब इसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है उस स्थिति में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ये गर्म प्रकृति का होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कब करना है इस्तेमाल आपको, जब आपके शरीर की स्थिति सामान्य शुरू से ही रहे तब करिए, नहीं तो आप बीमार हैं तब भी कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा या फिर कोई हार्ड दवा ले रहे हैं तो उस स्थिति में आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आपको विशेष स्थितियों के लिए जब आपके शरीर में व्याधि है तो ट्रीटमेंट चल रहा है तो क्या क्या दिया जा रहा है आपके शरीर में, क्योंकि ये भी बहुत ही पावरफुल है, इस पे ईश्वर की कृपा है और ये बहुत पावरफुल है, इसका अपना रिएक्शन होता है, इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, तो हो सकता है कि दवा का रिएक्शन आप जानते होंगे वैसे रिएक्शन भी हो जाए, तो इसीलिए जब कोई दवा वगैरह ले रहे हैं, आपका कोई इलाज चल रहा है उस समय पर तो आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। लेकिन दैनिक जीवन में अगर आप ठीक चल रहा है तो आपको रेगुलर 1 काली मिर्च जरूर खानी चाहिए, इससे आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे और आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। हालांकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको बहुत चीजों
चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सोने का सही समय प्रकृति के अनुसार क्या है, इसके अलावा और भी चीज़ें खाने के लिए हैं। सिर्फ एक काली मिर्च ऐसी नहीं है जो सारा काम कर देगी, लेकिन काली मिर्च में ये गुण करने के हैं। लेकिन अब पता चला है काली मिर्च तो खाया आपने और बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पी रहे हैं, तो वो मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए वो आपको नुकसान तो पहुँचाएगा। इसके साथ और चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मैंने क्या एक काली मिर्च खा लूँगा रोज़ तो कभी लाइफ में मुझे लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। होगी, अगर आप एक काली मिर्च खा रहे हैं वो इसको स्ट्रॉन्ग तो बना रहा है, लेकिन आप उसके एवज में गलतियां बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कर रहे हैं, अपने लीवर के साथ बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि वो गलती इतनी बड़ी है कि आपकी अच्छाई को ढक देती है, यानी कि आपकी काली मिर्च के असर को वो छुपा देती है। लेकिन अगर आपका एक सामान्य जीवन है और एक काली मिर्च लेते हैं और सामान्य तक खाना पीना आपका ठीक है, तो आपको कभी भी ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। इसीलिए दैनिक रूप से आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के मैं आप सभी के लिए आता रहता हूँ। अब बात कर रहा था मैं विशेष उपाय की कि आपको बुरी नज़र से बचना है और चाहते हैं कि आपका धंधा आसानी से तेजी से चले, वो कोई बच्चा हो या फिर आपका धंधा है या बिजनेस है या पढ़ाई है, आपके बच्चे पर कोई नज़र लगा देता है, इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे। बुरी नज़र उतारने के लिए आपको काली मिर्च के टोटके का इस्तेमाल करना है। घर के किसी भी कोने में काली मिर्च के 7 से 8 दाने दिए में रख करके जला देना है। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और जर दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। किसी की नज़र लगी है तो नज़र उतारने के लिए उस बच्चे के आप पास से या उस घर के जो भी बुजुर्ग हैं या बड़े हैं या जो भी हैं उनके ऊपर से उस काली मिर्च को जो है 7 दाने को वार लेना है आपको एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद क्या करना है, आपको उसे जला देना है। खास करके अगर आपके पास मंदिर है तो जो हवन करते हैं उसमें जला दीजिए आप इसको, आप देखेंगे कि नज़र दोष जो है दूर हो जाता है। मंत्र का कौन सा उपयोग करेंगे उस समय पर, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र मन में कम से कम 11 बार बोलिएगा और जब हवन कीजिएगा तो, और शनिदेव के सामने नतमस्तक होकर के, हे प्रभु हमारे सभी कष्टों को दूर करो, बुरी नज़र को दूर करो, हमारे शत्रुओं का नाश करो, नाश करो यानी कि हमारे शत्रु हम पर प्रभावी न हो पाए, हमें इतनी शक्ति दो। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिएगा, जीवन में देखेंगे समस्याएं जितनी है दूर हो जाएंगी। शनिदेव को बहुत पसंद है, शनिवार के दिन इसका मैंने बताया आप दान करें जरूर, थोड़ा सा काली मिर्च ले लीजिए और उसको काले कपड़े में बांध दीजिए, उसमें आप 11 रुपया बांध दीजिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम 11 शनिवार तक ये उपाय अपनाइए। आप देखेंगे कि जीवन में खुशी आने लगेगी, आपके पैसे रुपये की दिक्कत दूर होने लगेगी, बनता बनता काम आपका रुक जाता है तो वो बनने लगेगा, काम बनने लग जाएगा जो बिगड़ जाता है बनते बनते, वो आपका काम पूरा होने लग जाएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे फायदे होंगे, बीमारियां दूर होती हैं, इसके अलावा आपको जो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये उपाय बहुत ही कारगर है, इसका आप जरूर उपयोग कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग किए होंगे, तो कमेंट करके बताइए कि आपने काली मिर्च का किस रूप में इस्तेमाल किया है। और आप सभी अगर सनातनी भाई हैं और हमारे हिंदू देवी देवताओं में बिलीव करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो कौन से देवता को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उनका नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए एक बार, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अपने सभी भाइयों बहनों के साथ ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।